हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमने ये वीडियो बनाया है MI के 5x55 इंच मॉडल के फुल रिव्यू के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स, एंड आपको ये टीवी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सो बने रहिए गाइस। एंड अगर आपको इस टीवी का अनबॉक्सिंग देखना है सो मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा प्राइस सेगमेंट एंड फुल स्पेसिफिकेशंस बता रखे हैं उस वीडियो में गाइस, सो आप चेक कर लेना एक बार। सो गाइस, चलिए पहले हम इसके प्रोज की बात कर लेते हैं कि आपको इसमें पिक्चर एंड ऑडियो क्वालिटी कैसी मिलती है। सो हम पहले डिस्कस करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी को। सो मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगा, वीडियो सैम्पल्स, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि रियल में मुझे इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसे लगी, एंड आपको टीवी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सोनी एंड अदर ब्रांड। सो चले गए, शुरू करते हैं। सो पहले मैं अपनी पिक्चर सेटिंग्स को आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ब्राइटनेस जो है टीवी की क्या सेट किया हुआ है। सो ये देख लीजिए गाइज, यहाँ पे मैंने बैक लाइट को 90 रखा हुआ है एंड ब्राइटनेस को 51 रखा हुआ है। एंड गाइज, अभी मैं प्ले करूँगा HD 4K वीडियो सॉन्ग, देखते हैं कैसे मिलते हैं आपको पिक्चर क्वालिटी। एंड गाइज, मैंने यहाँ पे डिफरेंट सैम्पल्स लिए हुए हैं वीडियो के, सो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। सो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कलर्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं इस प्राइस सेगमेंट में। देखिए कितने प्यारे कलर्स दिख रहे हैं टीवी में आपको। सो गाइज, स्टार्टिंग में मैं भी सोनी की ही टीवी बाय करने वाला था, बट जब मैंने टीवी देखी तो मुझे इसके कलर्स काफ़ी अच्छे लगे। इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छी टीवी देखने को मिल जाती है, वो भी 55 इंच मॉडल्स के साथ में। सो गाइज़, मेरे को तो काफ़ी अच्छी टीवी लगी थी इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। एंड इवन जब भी कोई घर पर आता है टीवी देखता है तो वही बोलता है कि कौन सा टीवी है, बहुत ही मतलब प्यारे कलर्स लगते हैं सभी को इस टीवी के। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं इस टीवी का लुक जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है गाइज, रूम में काफ़ी अच्छी टीवी लगती है रूम में लगी हुई, क्योंकि जो इसका जो बेजल लेस डिज़ाइन दिया हुआ है आपको बिल्कुल भी साइड में आपको एजेस नहीं दिखती है इसके डिस्प्ले पे, एंड बहुत ही स्लिम डिज़ाइन इसका दिया हुआ है गाइज, तो काफ़ी अच्छा लगता है टीवी देखने में। एंड गाइज, मैं रिकमेंड करूँगा कि 55 इंच का ही टीवी आप खरीदें, रियल में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा मूवी वगैरह देखने में, आपके रूम में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। बट गाइज, आपको विविंग डिस्टेंस का भी ध्यान रखना होगा, अगर आपके रूम में 6 to 8 feet का विविंग डिस्टेंस है तो आप 55 इंच को बाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दूसरे ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, आपको इसमें एम्बियंट लाइट डिटेक्शन मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये ऑटोमेटिक आपके रूम की लाइट के हिसाब से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देगा। आपको इसमें ऑन डिस्प्ले वॉलपेपर का भी ऑप्शन मिल जाता है, सो आपकी वॉलपेपर्स जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो इन बिटवीन टीवी को तो। एंड गाइस, चलो अभी इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं कैसी है, एंड इसका बेस हम सुन लेते हैं अभी कैसा है। सो मैं आपको एक वीडियो सैम्पल मेरे पास में है, सो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईयरफोन लगा लेना ताकि आपको बेस अच्छे से सुनाई दे सके। सो गाइज, कैसा लगा आपको इस टीवी का बेस, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपको एक ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिल जाता है, सो आप अपने ईयरबड्स या ईयरफोन को कनेक्ट करके आराम से मूवी एंजॉय कर सकते हो विदाउट किसी को डिस्टर्ब किए। एंड मुझे टीवी का बेस इतना अच्छा लगा कि मैं एक्सटर्नल कोई भी स्पीकर यूज़ नहीं करता हूँ टीवी के साथ में, हालाँकि मेरे पास में 2 टावर वूफर रखे हुए हैं, बट टीवी का बेस ही काफ़ी अच्छा है। एंड गाइज, ये जो आपको मैं बता देता हूँ सेट टॉप बॉक्स में आपको ST जो चैनल्स होते हैं वो आपको थोड़े बहुत ब्लर दिखेंगे, क्योंकि जो टीवी का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, एंड HD जो चैनल्स है वो आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेंगे। मिडिल क्लास बंदे के लिए काफ़ी अच्छा टीवी है गाइज, आप इसको आराम से खरीद सकते हो। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की, इसमें क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी वो सब मैं आपको बता देता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहली प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ कलर से रिलेटेड क्या है इसमें। ये देखिए, ब्राइटनेस अगर आप जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे
तो आपका ये देखिए पूरा ब्लर हो जाता है। सो गाइज़ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये किसी भी हर एक टीवी के साथ में आप ट्राई कर लेना, सबके साथ में होगा। मेन प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप इसका जो है कंट्रास्ट अगर बढ़ाओगे, ठीक है, अपने जैसे सेट कर लिया, इतना अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट जब भी कोई ऐसा सीन आता है जैसे धूप वगैरह का या कुछ भी ऐसा, तो उसमें आपको येलो इस थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, येलो कलर थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इसमें। सो थोड़ा सा जो कि अजीब लगता है, इसलिए मैं इसकी सेटिंग्स को कम ही रखता हूँ, 55 के करीब आप इसकी सेचुरेशंस को रख सकते हो। तो आपका ये सेचुरेशन एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको रखना है 57 के करीब, तो आपको काफ़ी अच्छा पिक्चर क्वालिटी देगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड गाइस, सेकंड जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है वो है गूगल असिस्टेंट की, बट डोंट वरी, आप गूगल असिस्टेंट को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो बटन के थ्रू, नीचे आपको एक बटन मिल जाता है, सो आपका गूगल असिस्टेंट काम करना बंद कर देगा। अगर आप इसको फिर से ऑन करोगे तो आपका गूगल असिस्टेंट काम करना स्टार्ट कर देता है फिर से। सो जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई है वो ये है कि गूगल असिस्टेंट जो है वो ऑटोमेटिकली कभी कभी वेकअप हो जाता है, अगर आप टीवी देख रहे हो तो, पता नहीं गूगल असिस्टेंट को क्या पता चलता है, वो ऑटोमेटिकली कभी कभी वेकअप हो जाता है, मतलब रेयरली होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार होता है। सो ज़्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको गूगल असिस्टेंट को सेटिंग्स में जाके भी ऑफ़ कर सकते हो, सो आपका गूगल असिस्टेंट जो है वो काम करना बंद कर देगा, अगर आप चाहो तो यहाँ से ऑफ़ कर लेना। एंड गाइस, मैंने थर्ड प्रॉब्लम जो फेस किया वो ये है कि कभी कभी आप यूट्यूब या अमेज़न प्राइम या नेटफ्लिक्स पे वीडियो देख रहे हो तो आपको बस ऑडियो सुनाई देता है, वीडियो आपको दिखाई नहीं देता है, ब्लैकआउट दिखता है, एंड रिबूट करने के बाद में टीवी को वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो मे भी मुझे प्रॉब्लम लगती है कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की है इनके। सो गाइस, ये भी ज़्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे अभी सेकेंड टाइम फेस हुई थी आज ही। एंड गाइज, मुझे और कोई भी कॉन्स इस टीवी में देखने को नहीं मिला है। अगर आपका बजट जो है वो मीडियम है एंड आप एक अच्छी साइज़ की टीवी खरीदना चाहते हो जिसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, कलर्स वगैरह अच्छे हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप ये टीवी बाय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।